नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूँ रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। जी हाँ, चंद्रमा की, इसीलिए क्योंकि हाथों की लकीरों के जरिए भी आप अपने चंद्रमा की स्थिति जान सकते हैं। तो किस तरीके से आपको अपनी हाथों की लकीरों को पढ़ना है ताकि आप चंद्रमा की स्थिति को जान सके, ये पंडित जी हमको बताएंगे और इसके साथ ही साथ महा उपाय भी हम लेकर आएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हम गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपका मन कभी उदास होता है या किसी कारण से आपका मन खराब होता है या तनाव होता है आपको, तो ऐसे मन से खाना मत बनाइएगा। खराब मन से तनाव की स्थिति में, चिंता की स्थिति में बनाया हुआ खाना अगर आप बनाते हैं और कोई उसे खाता है तो उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो खाना बनाते समय हमेशा मन अच्छा होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए। तनाव में, दुख में, चिंता में अगर आप खाना बनाएंगे तो वो खाना जो भी खाएगा उसका स्वास्थ्य खराब होगा। तो चलिए, तो गुड लक मंत्र है और पंडित जी ने आपको बताया है और इस बात का ध्यान भी आप जरूर रखें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 16 अगस्त का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 16 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 8:17 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 9:07 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, रात 9:07 तक। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और किस तरीके से आपको अपने दिन की शुभ शुरुआत करनी है, आपने जाना, किन चीज़ों से बचना है ये भी आपने समझा। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं आज के हमारे विषय पर और उसी पर चर्चा हम शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हाथों में चंद्रमा की स्थिति की। तो हाथों में चंद्रमा की स्थिति कहाँ होती है पंडित जी, और इसकी जो सामान्य बातें हैं वो क्या हैं? देखिए, हथेलियों में सबसे किनारे छोटी उंगली, जिसको सामान्यतः कनिष्ठा अंगुली कहते हैं, उसके थोड़े से नीचे का स्थान जो होता है वो चंद्रमा का होता है। ये छोटी उंगली है, इसके नीचे को छोड़िए थोड़ा सा, ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, ये चंद्रमा का हिस्सा है। इस स्थान को देख करके आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। आपका चंद्रमा अच्छा है, आपका चंद्रमा कमजोर है, आपका चंद्रमा खराब है, ये आप इस स्थिति को देख करके जान सकते हैं। ये स्थान जितना साफ होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ही ज़्यादा उत्तम होता है। चंद्रमा के स्थान का, चंद्रमा के पर्वत का रंग अगर गुलाबी हो, पिंकिश हो, तो उससे चंद्रमा मजबूत होता है, ऐसे चंद्रमा को हम मजबूत समझते हैं। इस स्थान से हम जानते हैं विदेश यात्राओं के बारे में, मानसिक स्थिति के बारे में और रोगों के बारे में। आप विदेश जाएंगे, विदेश में सेटल होंगे या नहीं होंगे, आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी और आपको रोग और बीमारियां कब होंगी, किस प्रकार की होंगी, आप उससे बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये तमाम चीज़ें आप चंद्रमा की स्थिति को देखकर जान सकते हैं। व्यक्ति कितना मूडी है, कितना गुस्सैल है, कितना जॉली नेचर का है, उसका जो मन का मामला है, उसके जो मन की स्थिति है, ये भी चंद्रमा के पर्वत को देख करके आप समझ सकते हैं।
तो अपनी हथेली पर, अपने हाथों पर आप किस तरीके से अपने चंद्रमा को देख सकते हैं, पंडित जी ने हमको समझाया है। फिलहाल ये बारीकी थी जो पंडित जी ने बताई, इस पर हम और चर्चा करेंगे आगे। अब आते हैं राशियों की तरफ और देख लेते हैं सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है, पैसे का नुकसान ना हो, पैसे की दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, वरना पैसों के अलावा रिश्तों की मुश्किल भी आपको परेशान करेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं, ये संभावना बन रही है। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस समय आप आराम के मूड में रहेंगे, बहुत प्रेशर नहीं होगा। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन काफी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, रिश्तों से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान आप कर दें तो आपके लिए दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशियों के बारे में तो हम जान ही रहे हैं और आगे की राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आते हैं अब आप लोगों के सवाल पे। तो देखते हैं आज का जो पहला ईमेल है, हमें पहला सवाल है वो किसने भेजा है पंडित जी? जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो अनुज कश्यप जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 18 जनवरी 1980, जन्म का समय है 6:25 दोपहर में, जन्म स्थान है ग्वालियर। ये लिख रहे हैं कि विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, क्या मेरी कुंडली में विवाह का योग है या नहीं है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अनुज, आपकी कुंडली में विवाह का योग जरूर बनता है, ये बात सही है कि आपकी कुंडली में विवाह का योग कमजोर है और अति विलंब से विवाह की संभावना बनती है, लेकिन विवाह होने का समय फिलहाल आपका आ गया है और ज्योतिष के हिसाब से अगर प्रयास किया जाए तो जनवरी 2023 से अगस्त 2023 का समय एक अच्छा समय है, इस समय में प्रयास करने पर आपका विवाह होना चाहिए। भविष्य आपका ठीक है और जो विवाह आप करेंगे उसमें आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक होगा, इसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपका भविष्य बेहतर हो, आपका विवाह ठीक तरीके से हो पाए, उसके लिए क्या करेंगे, एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी।
तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल यहाँ पर पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि कहाँ पर अपनी हथेलियों में आपको चंद्रमा देखना है ये तो आपने जान लिया है, अब आप भी खुद से अपनी हथेली देख सकते हैं और अपनी चंद्रमा की स्थिति समझ सकते हैं। लेकिन हथेली के जरिए जो आप चंद्रमा देखते हैं उससे मानसिक स्थिति को कैसे जाना जा सकता है, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, अगर आपके चंद्रमा के पर्वत पर, आपको पहले बताया कि चंद्रमा का पर्वत ये इतना हिस्सा होता है, ये छोटी उंगली के ठीक नीचे बुध का पर्वत है, उसके बाद का जो हिस्सा है वो चंद्रमा का पर्वत है। तो चंद्रमा के पर्वत पर अगर बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को चिंता करने की टेंडेंसी होती है, व्यक्ति को चिंता करने की आदत होती है। इस स्थान पर अगर दाग धब्बे होते हैं तो व्यक्ति काल्पनिक और अकारण चिंताएं करता है, मानसिक रूप से दाग धब्बों से कमजोरी आती है, इमेजिनेटिव प्रॉब्लम जो है, काल्पनिक समस्या जो है वो व्यक्ति को परेशान करती है, अकारण चिंताएं उसके मन में आती हैं। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल हो तो ये समझिए कि व्यक्ति को गंभीर मानसिक रोग हो सकते हैं, सीवियर डिप्रेशन की, फोबिया की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा होती हैं अगर चंद्रमा के पर्वत पर तिल है तो। चंद्रमा का पर्वत अगर साफ सुथरा है, गुलाबी है, तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को अच्छा और मजबूत बना देता है, यानी आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से चंद्रमा पर निर्भर करती है। और अगर चंद्रमा का पर्वत बेहतर होता है तो मेंटल कंडीशन मजबूत होती है, मानसिक स्थिति अच्छी होती है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो व्यक्ति को जल से खतरा होता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई नदी में जा करके मत नहाना, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि नाव से यात्रा मत करना, जल में डूबने का या जल से खतरे की संभावना होती है अगर चंद्रमा के पर्वत पर क्रॉस होता है तो। ऐसे लोगों को पानी से हमेशा बचना चाहिए। तो चंद्रमा का जो पर्वत है वो पूरी तरह से बता देता है कि आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है। आप तनाव में रहते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं, आपको डर है, आपको डिप्रेशन है, आपको फोबिया है, ये तमाम चीजें चंद्रमा का पर्वत आपको निश्चित रूप से बता देता है। ये संभावना चंद्रमा को देख करके आप जान सकते हैं। तो पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि अपनी हथेली पर चंद्रमा की स्थिति को आप किस तरीके से समझ सकते हैं और किस तरीके से मानसिक जो स्थिति है उसके बारे में भी आप जानकारी पा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं एक बार फिर से राशियों पर और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, पारिवारिक संबंधों में, आपके रिश्तों में सुधार होने का समय है, महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा, किसी मित्र का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ करें तो आपका दिन काफी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा इस समय, धन का नुकसान ना हो, पैसे की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। किसी धार्मिक कार्य में, किसी पूजा उपासना में आप व्यस्त रहेंगे ऐसा लग रहा है। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार में शुभ कार्य होंगे इसके योग बन रहे हैं, इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, स्थान परिवर्तन की संभावना दिख रही है।
किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन काफी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी आपने जान लिया है कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है, भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है। फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ही देर में पंडित जी आपको महा उपाय भी बताएंगे और साथ ही साथ गुडलक राशि के बारे में भी हम जानेंगे और चंद्रमा की स्थिति के बारे में तो हम जान ही रहे हैं कि अपनी हथेलियों को आप खुद देख कर कैसे उसका पता लगा सकते हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब आते हैं आज के अगले ईमेल पर, देख लेते हैं जो अगला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें मंजरी जोशी जी ने भेजा है। मंजरी ने हमें मेल लिखा है देहरादून से। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1984। जन्म का समय है 7 बजे सवेरे। जन्म का स्थान है देहरादून। ये लिख रही हैं कि एक ही करियर में पिछले 5 साल से स्टक कर गई हैं, एक ही करियर में पिछले 5 साल से टिकी हुई हैं, जिसमें कोई प्रमोशन कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो करियर में तरक्की कब होगी, क्या उस तरक्की के लिए इनको नौकरी बदलनी होगी? और दूसरा ये पूछ रही हैं कि आने वाले समय में इनका करियर और इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। मंजरी जी, आपकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से तो देखो नौकरी बदलनी ही है आपको, क्योंकि यहाँ पर रह करके नौकरी में आपको बहुत सफलता मिलेगी ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। और मैं कहूँगा कि इस साल के अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 का एक अच्छा समय है। इस समय में अगर आप प्रयास करेंगी तो आपकी नौकरी भी बदलेगी और आपके स्थान में परिवर्तन भी होगा, तरक्की भी होगी और पैसे भी बढ़ेंगे। तो बेहतर ये है कि सही समय का आप इंतज़ार करें और नौकरी बदलने के लिए मेंटली तैयार हो जाएं, वही आपके लिए बेहतर है। आर्थिक रूप से फाइनेंशियली आपकी कुंडली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए पैसे रुपए को लेकर के या करियर को लेकर के चिंता की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सहायता जरूर की जा सकती है कि आप सही समय पर सही नौकरी बदल पाएं। उसके लिए आप एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना आपको धारण करना चाहिए। दूसरा काम आप ये करें कि सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, एक पन्ना धारण करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, इसी पर आपको अपने सवाल भेजने हैं और आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर पंडित शैलेंद्र पांडे जी आपको देंगे। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं एक बार फिर से चंद्रमा के, चंद्रमा के को किस तरीके से आप हथेली पर देख सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं, ये तो पंडित जी ने आपको बताया है। लेकिन पंडित जी, चंद्रमा के पर्वत से करियर और अगर मैरिज को लेकर यहां पर कोई जानना चाहे तो किस तरीके से जान सकता है? बिल्कुल, चंद्रमा से एक तो अपने मन को जान सकते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को जान सकते हैं। चंद्रमा के पर्वत से आप अपने करियर को और अपने विवाह को भी जान सकते हैं। कैसे? अगर भाग्य की रेखा चंद्रमा की तरफ से आए, जैसे भाग्य रेखा आपकी यहां से निकल करके बीच की तरफ जा रही हो, यानी भाग्य रेखा अगर चंद्रमा की तरफ से आए तो भाग्योदय विवाह के बाद होता है, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की तरक्की तब होती है जब उनकी शादी हो जाती है। और ऐसे लोगों को जीवन साथी बहुत समझदार मिलता है, बहुत सहायक, बहुत सपोर्टिव मिलता है। अगर ये पर्वत मजबूत है, चंद्रमा का पर्वत अच्छा है, तो आप अभिनय के क्षेत्र में, आर्ट कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में और खान पान के क्षेत्र में काफी सफलता पा सकते हैं।
इस पर्वत पर अगर छोटी छोटी रेखाएं हों तो ये बताती हैं कि आपके प्रेम संबंध होंगे और आप बहुत सारी जीवन में यात्राएं करेंगे, इसके बारे में भी सूचना मिलती है। अगर चंद्रमा के पर्वत से कोई सीधी लकीर निकल करके भाग्य रेखा से जुड़ रही है तो इसका मतलब आपका सेटलमेंट विदेश में होगा, आप विदेश जाएंगे या अपने नेटिव प्लेस से, अपनी पारिवारिक जगह से दूर जा करके परमानेंटली सेटल होंगे। तो सीधी लकीर अगर भाग्य रेखा से जुड़ रही है तो ये फॉरेन सेटलमेंट की सूचना अवश्य है, उस दिशा में कोशिश की जा सकती है। और याद रखिए, चंद्रमा का पर्वत अच्छा होना एक अच्छा जीवन साथी देता है, एक अंडरस्टैंडिंग स्पाउस देता है जो आपके सपोर्ट भी करता है और आपकी बातों को समझता भी है। तो अपने करियर और अपनी शादी को लेकर, अपने मैरिज को लेकर किस तरीके से आप अपने चंद्रमा जो आपके हाथों के जरिए आप देख सकते हैं उसमें पता आप लगा सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हुए उनसे जान लेते हैं अगली तीन राशियों के बारे में, जो है तुला, वृश्चिक और धनुराशि। तुला राशि, आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे हो सकते हैं अगर आप प्रयास करते हैं तो। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। करियर में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, हालांकि काम अधिक रहेगा, काम की अधिकता दिखाई दे रही है। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें, ज्यादा कुछ ना भी करें, हनुमान चालीसा ही पढ़ लें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो निश्चित रूप से आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, खान पान पर ध्यान दें, डाइजेशन आपका बिगड़ सकता है, हड्डियों की समस्या से आपको बचाव करना चाहिए। और बेवजह की चिंताएं आपके मन को परेशान कर सकती हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन काफी बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम जान ही रहे हैं, आखिरी तीन राशि भी आपसे कुछ ही देर में आपको बताएंगे कि उन तीन राशियों के जो लोग हैं उनका दिन कैसा बीतेगा। लेकिन उससे पहले वक्त एक और सवाल का हो गया है, एक और ईमेल का हो गया है, तो देखते हैं अगला ये सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, जी श्रीमती लता मिश्रा ने हमें सवाल लिखा है, मऊ से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 29 नवंबर 1961, जन्म का समय है 10:30 रात को, जन्म स्थान है वाराणसी। मेल लिखती हैं मऊ से, ये लिख रही हैं कि स्वास्थ्य मेरा काफ़ी ख़राब रहता है, तमाम चीज़ों के बावजूद मेरे स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा है, क्या उपाय मुझे करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। लता जी, आपकी कुंडली में जो सेहत की समस्या है वो 10% है मानसिक और 90% समस्या है आपकी हड्डियों की, बोन्स की। तो एक तरफ मानसिक समस्या भी है और एक तरफ हड्डियों की समस्या भी आपको काफ़ी परेशान कर रही होगी, ये संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, हड्डियों के लिए प्रॉपर दवाई खाइए, प्रॉपर इलाज करिए
और थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिए, चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होंगी। अभी आपको मार्च 2023 तक इंतज़ार करना है, मार्च 2023 के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि भविष्य में आप बेड रिडन हो जाएंगी, चल फिर नहीं पाएंगी, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो उसको लेकर के आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भविष्य आपका ठीक है, पैसे रुपए की स्थिति, संतान की स्थिति आपके लिए बेहतर है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय किया जाए? एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे एक माणिक्य पहन लें, सुबह और शाम दोनों समय सूर्य देव के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करें और माणिक्य पहने। थोड़ा सा पेशेंस रखें, आने वाले समय में आप ठीक हो जाएंगी। चलिए, आप लोगों के ईमेल्स तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन अभी भी जो दर्शक हमें देख रहे हैं कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, देर नहीं हुई है, जल्दी से आप अपने सवाल लिख भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। आगे आते हैं और बात करते हैं एक बार फिर से चंद्रमा की, क्योंकि अगर हाथ की रेखाओं में चंद्रमा समस्या यहाँ पर पंडित जी दिखा रहा हो तो क्या कुछ उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं? देखिए, आपके हाथ की लकीरों में अगर चंद्रमा समस्या दिखा रहा है तो पक्की तौर पे समझिए कि आपकी कुंडली में भी दिखाएगा। हाथ की रेखाएं और कुंडली एक ही इंडिकेशन देती हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है तो हाथ में अच्छा होगा, ऐसा संभव नहीं है। दोनों बराबर मात्रा में चलेंगे और दशाओं के हिसाब से हाथ की रेखाएं ऊपर नीचे होती रहेंगी। क्या करें अगर हाथ में चंद्रमा गड़बड़ है, मुश्किल दिखा रहा है? सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखिए, कनिष्ठिका उंगली में अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक मून स्टोन या एक मोती पहन लीजिए। वैसे अगर हाथ की लकीरों में चंद्रमा गड़बड़ हो तो मून स्टोन पहनना बहुत फायदेमंद होता है। हल्की सुगंध का, हल्की खुशबू का नियमित रूप से प्रयोग करें, सुबह स्नान करने के बाद हल्की सुगंध का इस्तेमाल करें। घर में एक हर सिंगार का या रात रानी का पौधा भी लगाएं, इससे भी चंद्रमा को शक्ति मिलेगी। गले में एक तुलसी की माला अगर आप धारण करें तो इससे भी आपको लाभ होगा, इससे भी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चंद्रमा अगर गड़बड़ है तो ऐसी स्थिति में आप पौधों के संपर्क में रहिए, प्लांट्स के संपर्क में, खुशबू वाले फूलों के संपर्क में रहिए, खुशबू के संपर्क में रहिए, नियमित रूप से नहाइए और ज़्यादातर मामलों में मैं कहूँगा कि मून स्टोन बनवा करके पहन लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चंद्रमा को यहाँ पर पंडित जी अगर मजबूत करना हो तो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग ग्रहों के लिए यहाँ पर जो पंडित होते हैं वो अलग अलग व्रत भी बताते हैं, तो क्या चंद्रमा के लिए भी ऐसा है कि अगर हमारा चंद्रमा खराब है तो कोई खास उपवास हम रख सकते हो? देखिए, अगर चंद्रमा खराब है आपका तो आपकी मानसिक स्थिति खराब तो होगी ही होगी। चंद्रमा अगर निगेटिव पार्ट में है तो डिप्रेशन होगा, अवसाद होगा, इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा होगी, आपको तनाव थोड़ा ज़्यादा होगा, हो सकता है डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ें, या मानसिक रूप से कोई फोबिया हो जाए, या मानसिक रूप से कोई बीमारी आपको परेशान करने लगे। अगर चंद्रमा खराब है तो, चाहे वो कुंडली में हो चाहे वो हाथ की रेखाओं में हो, चंद्रमा अगर खराब है तो जैसा रेखा ने कहा कि बहुत सारे ग्रहों को बेहतर करने के लिए उपवास रखने की बात की गई है, तो चंद्रमा अगर आपका खराब है तो महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, शुक्ल पक्ष की जो तिथि है, मध्य तिथि है, वो पूर्णिमा की तिथि है, 15वीं तिथि पूर्णिमा की है, इसका उपवास रखने से चंद्रमा की बाधाएं दूर हो जाती हैं। और चंद्रमा खास तौर से अगर आपकी मेंटल स्टेटस को, मानसिक स्थिति को खराब कर रहा हो तो आप पूर्णिमा का उपवास जरूर रखें। कैसे रखेंगे? दिन भर केवल जल पीजिए, लिक्विड लीजिए या फल खाइए,
और रात में जब चंद्रमा निकल जाए तो जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए, चंद्रमा को जल दीजिए। इसके बाद भगवान शिव की पूजा कर लीजिएगा और रात के भोजन में आप केवल मीठी और सफ़ेद चीज़ खा सकते हैं, जैसे खीर खा सकते हैं, दूध रोटी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। मीठी और सफ़ेद चीज़ रात में खाई जाती है। पूजा समाप्त करने के बाद जब आप चंद्रमा को जल दे लेंगे, भगवान शिव की पूजा कर लेंगे, तो रात में मीठी और सफ़ेद चीज़ खाएंगे, दिन में केवल फल और जल का सेवन करेंगे। और जब आप पूर्णिमा का उपवास रखते हैं, इसका मैक्सिमम फायदा अगर चाहते हैं तो केवल लिक्विड लीजिएगा। केवल लिक्विड लेकर के अगर आप पूर्णिमा का उपवास रखते हैं, आपकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत, बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। उससे आपको लाभ अवश्य ही होगा। और चंद्रमा डिप्रेशन पैदा करता ही है। अगर आपको डिप्रेशन है, मानसिक अवसाद है, किसी तरह का फोबिया है, पक्के तौर पे मान के चलिए बिना कुंडली देखे हुए भी कि आपका चंद्रमा खराब है। और इससे निपटने के दो रास्ते बहुत सटीक हैं। पहला, भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा, और दूसरा, पूर्णिमा का उपवास करना आपको लाभ पहुंचाएगा। तो अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी तो हम यहाँ पर आपको देते ही हैं, और साथ ही साथ अगर उन विषय से जुड़ी हुई कोई समस्या है उसके उपाय भी पंडित जी आपको बताते हैं। तो आज हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, अपनी हथेली पर चंद्रमा की स्थिति को किस तरीके से आप समझ सकते हैं और अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर उसका पड़ रहा है तो उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए हैं, वो उपाय आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी तीन राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा अगर कहीं है तो निश्चित रूप से इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। सेहत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। मान सम्मान इस समय आपका बढ़ेगा। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। मानसिक तनाव आपका बहुत हद तक कम होगा, दूर होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा, आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चंद्रमा के बारे में आज हम पंडित जी से जान रहे हैं और ये आपको बता रहे हैं कि आप खुद कैसे अपने हाथ में अपने चंद्रमा की स्थिति को समझ सकते हैं। लेकिन अगर पंडित जी, यहाँ पर चंद्रमा किसी तरीके से किसी के भी जीवन में खराब हो, हथेली पर अगर हम देख रहे हैं, तो क्या कुछ उपाय वो कर सकते हैं? देखिए, अगर चंद्रमा आपकी हथेलियों में खराब हो तो उसके लिए छोटे छोटे उपाय हमने आपको बताया कि आप मून स्टोन पहन सकते हैं, सुगंध का प्रयोग कर सकते हैं, प्लांट के वनस्पतियों के संपर्क में आ सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए, चंद्रमा की जो शक्ति है, चंद्रमा की जो ताकत है, वो आती है शिव से। शिव को चंद्रशेखर भी कहते हैं, शशांक शेखर भी कहते हैं, सुधांशु शेखर भी कहते हैं, क्योंकि शिव ने चंद्रमा की रक्षा की और चंद्रमा की रक्षा करने के लिए शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। तो जब भी आपको चंद्रमा से संबंधित समस्या परेशान कर रही है, कुंडली में चंद्रमा खराब हो या हाथ की रेखाओं में चंद्रमा खराब हो,
आप चंद्रमा के लिए भगवान शिव की पूजा करिए। नियमित रूप से एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइए। रोज सुबह एक लोटा जल घर से भरकर नंगे पैर मंदिर तक जाइए और एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ा करके ये प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में चंद्रमा से संबंधित जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं। दूसरा काम करिए, नमः शिवाय, ओम नहीं लगाएंगे, नमः शिवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक आपको जप करना चाहिए। अगर इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप करेंगे तो चंद्रमा से संबंधित बाधाएं समाप्त होंगी। तो चंद्रमा आपको जीवन में कभी भी परेशान करे, भगवान शिव की भक्ति करने से, भगवान शिव की शरण में रहने से निश्चित रूप से लाभ होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल पर आज हम आ जाते हैं जो कि ईमेल हमें आया है। देखते हैं क्या वो पूछना चाहते हैं और उनके लिए क्या यहाँ पर समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी जी, आज का जो आखिरी ईमेल है वो ज्ञानेश श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है, इंदौर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 22 अक्टूबर 1967। जन्म का समय है सुबह 7 बजे, जन्म का स्थान है भोपाल। ये कह रहे हैं कि जल्दी ही 6 महीने पहले अपनी नौकरी बदल करके नई नौकरी में आए हैं और यहाँ पर नौकरी में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो क्या फिर मुझे नौकरी बदलनी चाहिए? क्या फिर मुझे नौकरी बदलने का मौका मिलेगा और आने वाला समय कैरियर के लिए कैसा है? ज्ञानेश जी, इतना जल्दी परेशान मत होइए और इतना जल्दी ऐसा निर्णय भी मत लीजिए कि फटाफट नौकरी बदलते जा रहे हैं। अभी नौकरी बदलने की संभावना आपकी कुंडली में है भी नहीं और मैं सलाह भी नहीं दूंगा। जहां तक नौकरी में समस्या और तनाव की बात है, थोड़ा सा इंतज़ार करिए 24 नवंबर 2022 तक। 24 नवंबर 2022 के बाद से आपका तनाव धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होगा, धीरे धीरे आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। इसी नौकरी में आप अगले साल काफ़ी तरक्की भी करेंगे और प्रमोशन भी पाएंगे। तो अभी केवल प्रॉब्लम ये है कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एडजस्ट कर लेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, मामले में कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही है। क्या उपाय किया जाए एडजस्टमेंट के लिए, नौकरी की स्थितियों को बेहतर करने के लिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। दूसरा काम करिए, रोज सुबह एक बार भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मात्र इतना उपाय करने से आपके करियर की मुश्किलें, आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए, ये तो आज के हमारे ईमेल्स हो गए। हर रोज हम आप लोगों के सवाल लेते हैं यहाँ पर, जिसके समाधान पंडित जी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अगर जो दर्शक हमें देख रहे हैं कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हुए आप पंडित जी से उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 16 अगस्त को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 16 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने शिक्षा और अपने करियर का बहुत ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन के योग आने वाले साल में आपके लिए बने हुए हैं और इस साल अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी होगी और अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो संपत्ति भी खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, सेहत के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें, पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप पूजा करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वक्त हो गया है अब आज की जिज्ञासा को दूर करने का। और जो सवाल है पंडित जी मेरा, वो ये कि क्या सूर्य देव को संध्या काल में भी जल अर्पित किया जा सकता है? सामान्यतः हम लोग सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, लेकिन एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या शाम को भी जल चढ़ा सकते हैं? देखिए,
वैसे तो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना ही सबसे ज्यादा उत्तम होता है, लेकिन जो लोग त्रिकाल संध्या का पालन करते हैं, तीन समय पूजा करते हैं, वो सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय सूर्य भगवान को जल देते हैं, सूर्योदय के समय, मध्य दोपहर के समय और सूर्यास्त के समय। वैसे कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य देव को संध्या काल में भी जल अर्पित किया जा सकता है। पिता की आयु बचाने का प्रश्न हो, पिता की तरक्की का प्रश्न हो, सरकारी मुकदमे से बचने का प्रश्न हो, ऐसी स्थितियों में सुबह शाम दोनों समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाना ज्यादा फायदेमंद होता है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और शुभ पहर के बारे में भी जानकारी पंडित जी से लेंगे कि 16 अगस्त यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है। तो अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं इस दौरान आप कर पाए। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 16 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए हनुमान जी के सामने। अगर आपकी शिक्षा में, आपके करियर के मामलों में कोई समस्या है तो उस समस्या में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। 16 अगस्त मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। शुभ पहर के बाद अब आते हैं आगे और जान लेते हैं गुड लक राशि के बारे में। कौन सी वो राशि है जिसके बारे में पंडित जी आज बताने वाले हैं? पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के वर्तमान समय के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुडलक राशि है जिसके बारे में बताएंगे वो है सिंह राशि, लियो। इस समय सिंह राशि वालों के करियर के लिए, कारोबार के लिए और विवाह के लिए उत्तम समय चल रहा है। हालांकि सिंह राशि वाले स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान अपने बनाए रखें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके अगर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपका जीवन, आपका दिन बेहतर होगा। और कार्यक्रम के आखिर में अब हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं महा उपाय। तो हर रोज की तरह आज एक नया महा उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप भी उससे लाभ उठा सके। तो पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि बैठे बैठे मन एकदम, मन में चिंता हो जाती है, मन एकदम अशांत हो जाता है, मन अच्छा नहीं रहता, मन में तनाव अचानक हो जाता है बैठे बैठे। मन एकदम से अशांत हो जाए, बेचैन हो जाए तो क्या करें? जब भी मन अशांत हो गहरी गहरी सांस लेनी चाहिए। आपकी सांस आपके मन को बदल सकती है। तनाव में सांस बहुत धीमे हो जाती है, स्ट्रेस में सांस का जो लेवल है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, इसलिए आप गहरी गहरी सांस लीजिए। 1 गिलास नॉर्मल पानी, नॉर्मल शीतल जल पीजिए और मन ही मन में शिव 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 शिव, या तो ये या तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये मन में 2-4 मिनट तक दोहराइए। आपका मन बेहतर हो जाएगा, आपको मन की अशांति से छुटकारा मिलेगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि किस तरीके से अपनी हाथों की लकीरों में खुद देखकर हम अपने चंद्रमा की स्थिति जान सकते हैं। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।